बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम MS वर्ल्ड नेट के प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस दौर में ईमान बचाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन यही सोशल मीडिया पर कुछ लोग चंद व्यू और लाइक के खातिर अपने ईमान का सौदा करते हैं। आज की इस वीडियो में इसी ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश से वायरल होने वाली ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक नौजवान वज़ू करके नमाज अदा करने के लिए जा रहा था, तभी एक खातून उस मर्द का रास्ता घेरना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी वो मर्द अपने आप को काबू में करता है और रब की रज़ा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, हमारी आदत तो खुदा से ज़्यादा गैरों के सामने सर झुकाने की पड़ चुकी है, लेकिन इस वीडियो को देख सकते हैं कि इस बंदे के दिल में इबादत इलाही का कितना ज़ौक़ है। तहकीक के मुताबिक ये दोनों शौहर बीवी है। ये खातून अपने शौहर को रोक कर बोसा लेने की कोशिश करती है और आखिर में वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती। फिर वो नौजवान गुस्से में अपने सर से टोपी उतार कर वज़ू करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, नमाज की अहमियत हर मर्द और औरत को समझने की ज़रूरत है। ये औरत को चाहिए कि अपने शौहर के साथ ऐसी हरकत ना करे। जब इबादत इलाही का वक्त होता है तो शौहर बीवी को इस तरह की मस्तियों से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इबादत इलाही का ज़ौक़ अता फ़रमाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी हौसला अफज़ाई के लिए वीडियो लाइक ज़रूर कर दें।